हेलो गाइस, कैसे आप? आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट टू का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा एसिड बेस एंड बफर। एसिड और बेस का हम इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन इन तीन थ्योरीज के थ्रू देखेंगे। और हम फर्स्टली हम क्या देखते हैं, पहले बफर देखते हैं। बफर क्या चीज़ होती है? बफर वो चीज़ होती है जो जो अपने अपने पीएच को ना बदलने दे। मान लिया कोई एसिड है, कोई बफर एसिड है या कोई बफर बेस है, यदि हम उसे किसी भी मेथड से डाइल्यूट कर दें, यानी कि उसमें कितना भी पानी ऐड करते जाए वो अपने पीएच को नहीं बदलेंगे, हम उस एसिड या बेस को क्या बोल लेंगे, यानी कि ये बफर है। और क्या करते हैं, यदि हमसे एक लॉन्ग टाइम तक की, यानी कि बफर एसिड या बेस को एक लॉन्ग टाइम तक की रख लें स्टोरेज करके, तो फिर क्या करेगा, फिर भी अपना पीएच नहीं बदलेगा। यानी कि हम एसिड या बेस बफर है यदि कोई, तो हम उसका भी पीएच किसी भी मेथड से बदल नहीं सकते, उसको बोलते हैं बफर। यानी कि जो अपना पीएच ना बदले उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बफर। अब हम क्या देखते हैं, एसिड और बेस को देखते हैं, एसिड और बेस थ्योरीज, यानी कि एसिड बेस थ्योरीज के ऊपर बहुत सारे तीन थ्योरीज आई हैं मोस्टली कॉमनली, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने बता दिया कि एसिड बेस ये है। सबसे पहले क्या हुआ, रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो क्या थे, जर्मन के रहने वाले थे वे। उन्होंने बताया था एसिड और बेस के बारे में, लेकिन वो थ्योरी मान्य नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने आइडियल दिया था अपने पास से। लेकिन ये क्या है, एसिड और बेस के ऊपर जो थ्योरी आई है मोस्टली कॉमनली, वो तीन थ्योरीज है, आरहीनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लवली थ्योरी और लिविस थ्योरी। ये थ्योरीज का नाम जो पड़ा है वो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के नाम के बेस पे पड़ा है। जो आरहीनियस थ्योरी आई है वो आरहीनियस ने दी थी, जो ब्रोंस्टेड एंड लवली थ्योरी थी वो ब्रोंस्टेड और लवली दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी, जो लिविस थ्योरी थी वो एक साइंटिस्ट ने दी थी। अब हम देखते हैं इनमें, जनरली इंट्रोडक्शन में इनमें डिफरेंट क्या है। जो आरहीनियस थ्योरी थी उसने क्या बताया था, यदि हम किसी एसिड को, यानी किसी एसिड को हम एक्वा सोल्यूशन में डिजोल्व करने पर, यानी कि मिक्स करने पर क्या होता, वहाँ से एच पॉजिटिव प्रोड्यूस, यानी कि एच पॉजिटिव वहाँ से निकलता है। यदि हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आरहीनियस थ्योरी, यदि हम किसी एसिड को, यानी कि हमारे पास कोई एसिड है, उसे हम एक्वा सोल्यूशन में, यानी कि वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, एच पॉजिटिव निकलता है। और बेस की क्या पहचान बताई आरहीनियस थ्योरी ने, बेस की ये पहचान बताई, जब हम क्या करेंगे किसी भी बेस को एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हम मिक्स करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, OH नेगेटिव निकलता है, प्रोड्यूस यानी कि हमें मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, OH- मिलता है, तो हम क्या कहते हैं, वो हमारा बेस होता है अकॉर्डिंग टू आरहीनियस थ्योरी। फिर हमने क्या देखा, दूसरी थ्योरी को देखते हैं हम, दूसरी थ्योरी है ब्रोंस्टेड लवली थ्योरी। जो ब्रोंस्टेड लवली थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट ने दी है, एक है ब्रोंस्टेड, दूसरा है लवली। इनका पूरा नाम अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, पूरा इस चैप्टर के बारे में, अलग अलग थ्योरीज के बारे में, ब्रोंस्टेड की, लवली थ्योरी के बारे में और लिविस थ्योरी के बारे में और आरहीनियस थ्योरी के बारे में। अब हम देखते हैं सेकेंड थ्योरीज, ब्रोंस्टेड एंड लवली थ्योरी। ब्रोंस्टेड और लवली थ्योरीज के अकॉर्डिंग एसिड वे चीज़ होती है, या एसिड वे होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन पे हमें घोलने पर वहाँ से एच पॉजिटिव डोनर होता है, यानी कि वे एच पॉजिटिव देते हैं। उनको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। यदि कोई अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लवली थ्योरी, यदि कोई एसिड है हम क्या करेंगे, उसे किसी वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वहाँ से क्या होएगा, एच पॉजिटिव देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लवली थ्योरी। यदि हमारा बेस है कोई, यानी कि हमारा एसिड और बेस है, यदि कोई बेस है तो वहाँ हम क्या करेंगे, उसे एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे, यानी कि वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, एच पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा, यानी कि एच पॉजिटिव को लेंगे, उसे क्या बोल लेंगे हम, बेस बोल लेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लवली थ्योरी। यदि कोई बेस है तो वो क्या होगा, एच पॉजिटिव को अपने अंदर लेगा, वहाँ पे क्या, जो हमारा एक्वा सॉल्यूशन का मिक्सर होगा वहाँ पे एच माइनस ओ एच माइनस बच जाएंगे,
तो ये है अकॉर्डिंग टू बर्नस्टीन एंड लवली थ्योरी की बेस की पहचान। अब हमने क्या देखा, थर्ड थ्योरी थी लिविस थ्योरी। ये अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी हमने क्या देखा, एसिड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को चाहने वाले होते हैं। अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होना चाहिए, जब जाके क्या बनेगा, वन पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा, यानी कि उसे क्या अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी क्या बोला गया, एसिड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि इन दोनों का उल्टा, इसका आरहीनियस थ्योरी का उल्टा है लिविस थ्योरी। ये क्या बताया, बेस में ये बताया गया जो बेस वे होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कब बनेगा, जब एक जोड़ा होगा, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा, जब जाके पेयर बनेगा। यदि बेस है तो वे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ये अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी, ये था जनरल इंट्रोडक्शन। आने वाली अगली थ्योरीज में हम इन तीनों थ्योरीज का पूरा खुलासा करेंगे। यदि हमारी वीडियो इन जनरल इंट्रोडक्शन अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारी कोई भी वीडियोस में कुछ ना समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।